बांदीकुई नगर पालिका के पार्षद के ऊपर जानलेवा हमले का प्रकरण बांदीकुई थाने में दर्ज, पार्षद महेंद्र दैमन ने दर्ज कराया है मामला। मनोनीत पार्षद सहित अन्य पर लगाए आरोप, बीच बचाव में आए लोगों को भी धमकी देने का आरोप। पुलिस ने पीड़ित का कराया मेडिकल। महेश सेन, प्रकाश सेन सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। सरकारी जमीन से जुड़ी हुई है घटना, बांदीकुई थाना क्षेत्र का है पूरा घटनाक्रम। दौसा जिले के बांदी कोई उपखंड क्षेत्र के बांदीकुई नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 के पार्षद महेंद्र दैमन द्वारा पुलिस थाने में मनोनीत पार्षद प्रकाश सेन सहित करीब आधा दर्जन लोगों पर जानलेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज कराया। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़ित पार्षद का मेडिकल कराया तो वहीं मामले का अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। घटना को लेकर अन्य पार्षदों ने भी शनिवार को बांदीकुई एसडीएम कोर्ट पहुंचकर विरोध जताया, साथ ही जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी देना चाहा, पर मौके पर कोई अधिकारी नहीं होने से पार्षद व आमजन निराश ही लौट गए। पार्षदों व आमजन ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही मनोनीत पार्षद प्रकाश सेन की सदस्यता भी खत्म करने की मांग सरकार से की है। पीड़ित पार्षद महेंद्र दैमन ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सरकारी जमीन पर जन सुविधाएं और प्याव का निर्माण कराया जा रहा है, ऐसे में संवेदक द्वारा मुझे कहा गया कि एक बार आप आकर देख लीजिए काम सही हो रहा है या नहीं। इस पर मैं मौके पर पहुँचा तो वहाँ पर मनोनीत पार्षद प्रकाश सेन सहित अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान बीच बचाव करने आए लोगों से भी अभद्रता की गई और उन्हें नामों निशान मिटाने की धमकियां दी गई। पार्षद महेंद्र देवनमन ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका की जिस जमीन पर प्याव और जन सुविधाएं बन रही हैं उस जगह पर मनोनीत पार्षद कब्जा करना चाहता था, लेकिन जब मैं इस मुद्दे को उठाया तो मनोनीत पार्षद अपने मसूबे पर कामयाब नहीं हो पाया, जिसके चलते उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जो घोर निंदनीय है और मेरे खिलाफ एक बड़ा आपराधिक साजिश है। ऐसे आपराधिक किस्म के मनोनीत पार्षद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आज एक वार्ड नंबर 28 में हो रहे नगर पालिका के द्वारा जो हो रहा है निर्माण, उसमें क्या है, कुछ असामाजिक तत्वों ने जो निर्वाचित पार्षद के साथ में जानलेवा हमला जो किया है उसके जांच के विषय में, उसमें कार्रवाई के विषय में हम एसडीएम साहब को कलेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन देने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पर अभी कोई सही जवाब नहीं मिला। यहाँ के जो कर्मचारी उनके द्वारा ना एसडीएम साहब का कोई जवाब मिला, वो यहाँ है या नहीं है, तो अब हम मायूस हैं। तो पीडब्ल्यूडी तिराहे पर जो जन सुविधा के लिए जो नगर पालिका ने निर्माण कार्य की जो सुविधा जो लोगों के लिए प्रदान करने के लिए भेजी थी, उसमें निर्वाचित पार्षद जो कि वहाँ पर उसकी देख रेख के लिए गए थे, तो उनके साथ जो मारपीट करना है वो बेहद ही निंदनीय है। और इसके लिए अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी मांग ये है कि निर्वाचित जो पार्षद है उसको एक जान माल की सुरक्षा दी जाए प्रशासन के द्वारा, और जो मनोनीत पार्षद है उसकी सदस्यता को भंग किया जाए, बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हो। मालूम हुआ कि हमारे एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पे हमला किया है, झगड़ा किया है, उनके साथ मारपीट की है, उन्होंने थाने में एफआईआर दी, उस एफआईआर पे कार्रवाई हो, उनका मेडिकल भी हुआ है ये चुने हुए पार्षद का, जिन्होंने भी मारपीट किए उनकी उनकी जांच होके गिरफ्तारी हो और आइंदा भविष्य में चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे ऐसा कोई हमला न हो, यही हमारी मांग। मेरे वार्ड में काम चल रहा था और काम चलने के दौरान कल रात को संवेदक का फोन आया था कि आप एक बार काम का निरीक्षण कर लेना। मैं निरीक्षण करने जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर पूर्व नियोजित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, जो कि एक मनोनीत पार्षद है सरकार के द्वारा चुना हुआ, और उस सरकार के द्वारा चुने हुए पार्षद को जहाँ यह काम हो रहा है सरकारी जमीन पे, उस जमीन में 2 फुट पर वो कब्जा करना चाहता था और उसके मंसूबे में वह कामयाब नहीं हुआ, इस वजह से उसने मेरे साथ में इस तरह की हरकत की है जो बहुत शर्मनाक है। सरकार को ऐसे लोगों को जिनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हों और इस तरह की मंशा हो उनकी, ऐसे लोगों को कभी भी उनके पदों पर नहीं बैठाना चाहिए। आप सुन रहे थे पार्षद आमजन एवं पीड़ित को।